मेट्रो के गेट खुले रहे लेकिन मेट्रो चलती रही। जागीरपुरी से हुडा सिटी सेंटर मेट्रो रूट पर यह हादसा हुआ है, जहां अर्जुनगढ़ से घिटोरनी तक मेट्रो का गेट खुला हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दो दिखा रहे हैं, दिल्ली मेट्रो की भयानक चूक और दूसरी तरफ जयपुर मेट्रो ट्रायल जिसका रन शुरू होना था वो ट्रायल रन भी पूरा नहीं कर पाई और टकरा गई एक ट्रेन से। और इस बीच आपको बता दें कि ये ट्रायल रन था जिसमें रफ्तार बहुत धीमी थी, कोई हादसा बड़ा पेश नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चिंता की बात तो जरूर है कि जयपुर में मेट्रो ट्रायल के दौरान ही टकरा गई है। तो सोचिए अगर रफ्तार जो है वो अगले आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलती है तो यानी कि कहीं ना कहीं जो सुरक्षा के मानक है उन्हें ठीक से नहीं परखा गया है। बहरहाल कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ जो दिल्ली की तस्वीर देख रहे हैं ये बेहद खतरनाक है। ये मोबाइल से बनाया गया वीडियो है, कितनी बड़ी लापरवाही है। तकरीबन एक से डेढ़ मिनट तक ये लापरवाही दिखी है, मेट्रो चलती रही लेकिन मेट्रो का दरवाजा खुला रहा। अमूमन ऐसा होता है जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलने वाली होती है उससे पहले ही दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन यहां पर आपको बता दें जहांगीरपुरी और हुडा सिटी सेंटर रूट पर ये इस वक्त जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम जो मोबाइल से ली गई है उसमें साफ दिख रहा है कि मेट्रो चल रही है लेकिन दरवाजे खुले हुए हैं। बड़ी लापरवाही, डीएमआरसी की ओर से बयान भी इस संबंध में आया है। आखिर लापरवाही कैसे हुई है ये जवाब देना होगा। मेट्रो के दरवाजे खुले रहने की जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पहले अगर कोई हादसा हो जाता उसकी जिम्मेदारी किसकी होती। घिटोरनी अर्जुनगढ़ के बीच ये दरवाजे खुले रहे जहां पर मुसाफिर बैठे रहे, लेकिन सोचिए मान लीजिए कोई बच्चा होता या फिर कोई ऐसी महिला जो बुजुर्ग होती अगर उनके साथ कोई हादसा पेश हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। अपने आप में एक बड़ी लापरवाही का मामला दिल्ली मेट्रो में। दिल्ली मेट्रो जो दिल्ली की शान है, दिल्ली में आने वाले अलग अलग कस्बों से इंटीरियर इलाकों से लोग मेट्रो में बैठना चाहते हैं और सफर करना चाहते हैं खुशनुमा, लेकिन यह खुशनुमा सफर लापरवाही भरा भी हो सकता है। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, ये वीडियो किसने बनाया है और ये लापरवाही बहुत ही गंभीर है, और अगर ये एक वाकया इस तरह से सामने आया है इसके मतलब समझा जा सकता है कि ये लापरवाही बरतने का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत हुई है। बिल्कुल, देखिए ये वीडियो उस वक्त ट्रेन में सवार एक मुसाफिर ने ही बनाया है और उसके बाद ये वीडियो मिला है। तो लेकिन वीडियो में साफ देखा जा सकता है काफी बड़ी संख्या में उस वक्त गुड़गांव से जब घिटोरनी के लिए ट्रेन चल रही थी काफी लोग थे उस वक्त और सारे दरवाजे मेट्रो के इसी तरीके से खुले हुए थे, तो कोई भी हादसा किसी भी वक्त पेश आ सकता था। हालांकि कंट्रोल मेट्रो का जो होता है, जो दरवाजों का कंट्रोल होता है वो ड्राइवर के पास ही होता है जो कि सबसे आगे के केबिन में होता है मेट्रो में, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाता है इस बड़ी लापरवाही, इसको चूक नहीं कह सकते, इसको सीधे तौर पर लापरवाही कहेंगे क्योंकि इस बात का अंदाजा या कहीं इस बात के बारे में जानकारी जाहिर सी बात है ड्राइवर को होती है और उस वक्त ट्रेन के अंदर जो भी मेट्रो के कर्मचारी होते हैं उनको होती है, तो आखिरकार क्यों समय रहते इस बात की जानकारी ड्राइवर को क्यों नहीं दी गई। जितेंद्र, बड़ा हादसा हो सकता था, ये बड़ी लापरवाही है। क्या सिर्फ यही गेट खुला हुआ था या फिर ये लापरवाही दूसरे मेट्रो के गेट्स पर भी दिखी? जी देखिए, जो उस वक्त ट्रेन के अंदर सवार था मुसाफिर उसका कहना है कि कई दरवाजे मेट्रो के उस वक्त खुले हुए थे और ये 1.5 किलोमीटर का फासला था जो कि 1.5 मिनट में मेट्रो ने। जितेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए, दिव्या हमारे साथ कुछ अपडेट्स के साथ जुड़ रही हैं। दिव्या, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, दिल्ली मेट्रो ने साफ तौर पर इस पर कार्रवाई करते हुए जो मेट्रो का ड्राइवर है उसे सस्पेंड कर दिया है। दिल्ली मेट्रो ने साफ कहा है कि इसमें पूरी तरीके से ड्राइवर की चूक है क्योंकि ड्राइवर के पास ही सभी ऑपरेशंस होते हैं और जिस तरह से जब स्टेशन आता है तो डोर्स ओपन करना और उसके बाद थोड़ी देर के बाद डोर्स क्लोज करना, ये सारे ऑपरेशन ड्राइवर्स के पास होते हैं, तो इस ऐसे में ड्राइवर से चूक हो गई, वो दरवाजे बंद नहीं किए और ऐसे जब मेट्रो चली तो दरवाजे खुले रह गए। एक बड़ा हादसा हो सकता था, किसी को चोट भी लग सकती थी, किसी की जान जा सकती थी, तो दिल्ली मेट्रो ने साफ तौर पर इस पर ड्राइवर की लापरवाही मानी है और उस ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया है। जी दिव्या, ये एक बड़ी बात है कि सस्पेंड किया गया है, फौरी कार्रवाई हुई है, लेकिन प्रश्न ये है कि चूंकि ऑटोमेशन पर पूरा सिस्टम काम करता है मेट्रो का, तो क्या सिर्फ ये महज एक ही गेट खुला था या और भी कई गेट खुले थे?
जी मेट्रो के सभी गेट खुले थे, ये 6 कोच की मेट्रो थी और मेट्रो में मैं आपको बता दूं कि जो कंट्रोल होते हैं वो सभी एक ही तरीके से कंट्रोल होते हैं। एक आप बटन प्रेस करेंगे तो सभी जो मेट्रो के दरवाजे हैं वो अपने आप ओपन होते हैं और एक ही बटन से सभी मेट्रो के दरवाजे अपने आप क्लोज होते हैं। तो उसी बटन को प्रेस करना ड्राइवर भूल गया और ये एक बड़ी लापरवाही है और DMRC ने इस लापरवाही को समझते हुए तुरंत कार्रवाई की है और जो ड्राइवर है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन यहाँ बहुत समझना जरूरी है कि आखिर ये लापरवाही हो कैसी गई, ये मानवीय चूक है, सिर्फ इसे चूक नहीं कहा जा सकता क्योंकि इतने सारे मुसाफिर रोजाना मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, उनकी जान को जोखिम में डालने की ये तस्वीर है जो हम इस वक्त देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, लाखों लोग जो हैं वो सफर करते हैं और जब लोग इस बात को सुनते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं और वो लोग जो उस मेट्रो में सफर कर रहे होंगे उनकी जो वो भी इस बात को यकीन नहीं कर पा रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि शायद उन्हीं की जो कोच है उसका दरवाजा खुला है, लेकिन पूरी मेट्रो के दरवाजे खुले रह गए और शायद DMRC ने इस चीज को समझा है और पहले भी जो दिल्ली मेट्रो है उसे कई बार इस तरह की चूक हुई है, हालांकि मेट्रो के दरवाजे नहीं खुले रह गए, मेट्रो में कई बार गड़बड़ियां आई हैं, लेकिन ये एक बड़ी चूक है। ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी पेश आ सकता था लेकिन कोई हादसा पेश नहीं आया, लेकिन एक बड़ी चूक है और शायद DMRC ने इसीलिए तुरंत कार्रवाई की है और ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन है ये भी जानना जरूरी है कि इस तरह की लापरवाही दोबारा ना हो, क्या इसको सुनिश्चित किया गया है? हालांकि फौरी तौर पर जरूर इस ड्राइवर को सस्पेंड किया गया है। बिल्कुल देखिए, अभी तक जो DMRC है उसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। जब News24 ने DMRC के प्रवक्ता से बात की तब उन्होंने News24 को ये जानकारी दी कि उसे सस्पेंड किया जा रहा है। अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट DMRC की तरफ से कुछ नहीं आया है। ऐसा लग रहा है कि आगे इस तरह की चीजें ना हो उसके लिए भी DMRC हो सकता है कि किसी कमेटी का गठन करे और इसे पूरी संवेदनशीलता के साथ इस मामले को सुलझाए। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या हमारे साथ जुड़ने के लिए। संवाददाता दिव्या बता रही थी कि DMRC ने फौरन कार्रवाई करते हुए उस ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम पर मेट्रो काम करती है, एक दरवाजा खुला है तो सारे दरवाजे खुले होंगे और अगर एक दरवाजा बंद है तो सभी बंद होंगे।